हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने कुकिंग चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं कढ़ाई पनीर। देख सकते हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाने वाले हैं और घर पर ही बहुत ही सिंपल तरीके से। आपको जब भी रेस्टोरेंट की तरह खाना खाने का मन घर पे करे तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है, एक बार जरूर इस तरीके से बना के देखें घर पर ही कढ़ाई पनीर सिंपल तरीके से। तो ज्यादा देर नहीं करेंगे और हाँ, ये वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले कढ़ाई पनीर बनाने के लिए, क्योंकि हम 8 से 9 लोगों के लिए बनाने वाले हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं 1/2 किलो मैंने प्याज लिया है, 250 ग्राम मैंने लिए शिमला मिर्च और 250 ग्राम मैंने लिया है टमाटर, 4 से 5 हरी मिर्चें। तो प्याज को सबसे पहले हमें 2 साइजों में कट करना है। एक तो हमें प्याज को पहले छिलका उतार लेना है उसका, और उसके बाद उसको बीच में से कट करना है, फिर उसके बीच में से आधा और कट करना है। इस तरीके से देख सकते हैं आधे प्याज को हमने लंबे स्लाइस में कट किया है, टमाटर भी नॉर्मल साइज में कट किया है, हरी मिर्च को भी बीच में से हमने कट किया है, और बाकी जो प्याज है उसको हमने इस तरीके से हर प्याज के 4-4 टुकड़े किए हैं। और इसके बाद हमें इसको खोल लेना है। जिस तरीके से कढ़ाई पनीर के अंदर आपको प्याज नजर आते हैं खाते वक्त, उसी तरीके से ये प्याज जो है बन जाएंगे जब हम इसको फ्राई करेंगे। तो आधे प्याज को हमने ग्रेवी के लिए कट किया है और आधे प्याज जो है हमने कढ़ाई पनीर के लिए कट किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से एक एक करके हमने इसको खोल लेना है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है कढ़ाई पनीर। एक बार जरूर इस तरीके से बना के देखिए, आपको जरूर ये वीडियो ये रेसिपी पसंद आएगी। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से हमने प्याज को खोल लेना है, दूसरी तरफ हमने कढ़ाई को रख देना है गर्म होने के लिए। और यहाँ पर देख सकते हैं शिमला मिर्च को हमने बीच में से आधा कट कर लेना है, उसके बाद लंबे लंबे स्लाइस में कट कर लेना है। ये देख सकते हैं फ्राई होने के बाद वैसे भी इसका साइज काफी कम हो जाता है, और 1/2 किलो पनीर है, नॉर्मल साइज में हमने इसको कट कर लिया। आप ट्राइंगल साइज में भी इसको कट कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आपको जो शेप पसंद है आप उस साइज में कट कर सकते हैं। कढ़ाई को मैंने अच्छे से गर्म होने के लिए रख दिया, जैसे कढ़ाई गर्म हो जाएगी उसके अंदर मैंने सरसों के तेल का यूज किया है। सरसों का तेल आप इसमें अच्छी क्वांटिटी में डाल दे, तो मैंने इसके अंदर 200 ग्राम तकरीबन सरसों के तेल का यूज किया है। एक ही बार जो हमने तेल इसके अंदर डाला उसी के अंदर हम बारी बारी से सारी चीजों को फ्राई भी करेंगे और साथ में इसकी ग्रेवी भी तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमने प्याज डालने हैं इसके अंदर और प्याज को हमने भूनना है। जो प्याज हमने खोले थे उस प्याज को हमने इसके अंदर डाल के और अच्छे से फ्राई कर देना है कि प्याज बिल्कुल भी कच्चे ना रहे। 80-90% तक हमें इसको फ्राई कर देना है। देख सकते हैं फ्राई होने के बाद इसका लुक और टेक्सचर। गैस को मैंने मीडियम से हाई फ्लेम के ऊपर ही रखा हुआ है और एक एक करके बारी बारी से हम सभी को इसी तरीके से फ्राई करके निकालते जाएंगे। तो 1 से 2 मिनट और रखूंगी मैं, इसके बाद मैं इसको प्लेट के अंदर निकाल लूंगी और फिर इसी के अंदर हम डाल देंगे शिमला मिर्च फ्राई होने के लिए। तो प्याज को मैंने निकाल लिया और उसी के अंदर हमने शिमला मिर्च को रख दिया। शिमला मिर्च को थोड़ा सा समय लगता है फ्राई होने के लिए, 4 से 5 मिनट, तो हम इसको ढक के फ्राई करेंगे। तो मैंने सारी शिमला मिर्च को इसके अंदर डाल दिया है, इसके बाद मैं इसको चला के और ढक दूंगी और ढक के 2 से 3 मिनट के बाद मैं चला लेंगे और फिर से 2 से 3 मिनट के बाद चला लेंगे। तो दो बारी में ये शिमला मिर्च जो है अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएगी। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सारी शिमला मिर्च को डाल दिया और उसके बाद मैं इसको चला लूंगी। गैस की फ्लेम जो है मीडियम से हाई के बीच में ही रहेगी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, कोई भी इस रेसिपी को बना सकता है और बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह बनेगी। आप देख सकते हैं इसका लुक टेक्सचर बिल्कुल वही आएगा मार्केट की तरह, रेस्टोरेंट की तरह। और यहाँ पर प्याज का कुछ इस तरीके का लुक है फ्राई होने के बाद, देख सकते हैं। इसी प्लेट के अंदर हम शिमला मिर्च को भी फ्राई करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 से 2.5 मिनट के बाद कुछ इस तरीके का लुक है। एक बार मैं इसको और चला लूंगी और 2 से 2.5 मिनट के लिए और इसको ढक देंगे। 5 से 6 मिनट का वक्त लगता है और शिमला मिर्च हमारी अच्छे से फ्राई हो जाती है। तो मैंने इसको ढक दिया है और ढकने के बाद ये देख सकते हैं 2 से 2.5 मिनट और हो गए, उसके बाद ये हमारी शिमला मिर्च फ्राई हो चुकी है, बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो बस अब हम इसको निकाल लेंगे और इसको निकालने के बाद अब इसके अंदर मैं पनीर को डाल दूंगी फ्राई होने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने पनीर इसके अंदर डाल दिया है और पनीर को हम 2 से 2.5 मिनट तक एक तरफ से फ्राई होने देंगे, फिर 2 से 2.5 मिनट दूसरी तरफ से। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्याज के साथ ही मैंने शिमला मिर्च को निकाल दिया है और दूसरी तरफ वहाँ पर हमारे पनीर जो बहुत अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। पनीर जैसे ही फ्राई हो जाएगा तो हम पनीर को निकाल देंगे और निकालने के बाद फिर हम उसके अंदर डाल देंगे प्याज, जो हमने ग्रेवी के लिए प्याज तैयार करने हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, एक एक करके चीज़ों को आपने फ्राई करते जाना है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि आपका ऑयल बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए। ऑयल अच्छे से गर्म होगा तो चीज़ों को बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा बनने में। तो पनीर भी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है, ये देख सकते हैं कढ़ाई पनीर का बेस जो है वो हमारा बिल्कुल रेडी है। तो प्याज और हरी मिर्च, हमने 4 से 5 जो हरी मिर्च ली थी वो और प्याज अच्छे से इसके अंदर डाल देना है और इसको हम भूनेंगे। धीमी आंच पे कर देंगे, गैस की फ्लेम को मीडियम से स्लो फ्लेम के ऊपर कर देंगे
और इसको हमें भूनना है, इसको बिल्कुल सॉफ्ट कर देना है। तो 2 से 2.5 मिनट तक प्याज को भूनने के बाद हम इसके अंदर टमाटर को ऐड कर देंगे और धीमी आंच करके इसको 4 से 5 मिनट तक भूनने देंगे हम, क्योंकि प्याज का कलर हमें ब्राउन नहीं करना, प्याज को हमने गलाना है। जब प्याज अच्छे से गल जाएगा तो ग्रेवी के अंदर जो एक हल्का सा मीठापन वाला टेस्ट जो आता है ना, वो टेस्ट आएगा। और तेज आंच पे अगर आप इसे भून दोगे तो प्याज जो है वो ब्राउन कलर का हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर वो टेस्ट नहीं आएगा जो कि कढ़ाई पनीर के अंदर होता है। तो ये देख सकते हैं धीमी आंच पे हमने इसको भूना है और बहुत ही अच्छे से भून चुका है। तो गैस को मैंने ऑफ कर दिया है अब, और ऑफ करने के बाद थोड़ा सा 2 से 3 मिनट ठंडा हो जाए, उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डालेंगे, बिल्कुल चिल्ड वाटर, और इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये देख सकते हैं इसका लुक, बहुत अच्छे से ये तैयार हो चुका है पेस्ट टमाटर और प्याज का, और बहुत ही टेस्टी इसकी ग्रेवी बनेगी। वही हल्का सा मीठापन होगा, मिठास होगी। तो ये 1 से 1.5 चम्मच तेल बचा हुआ, तो इसके अंदर मैंने हींग का पाउडर डाल दिया है और 1 से 2 मिनट में इसको चला लूँगी। और इसके बाद फिर हमने जो ग्रेवी है ना हमारी, जो हमने पेस्ट तैयार किया था टमाटर और प्याज का, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। गैस की फ्लेम जो है यहाँ पर हम धीमी रखेंगे अभी, क्योंकि अभी हम इसके अंदर मसाले ऐड करने वाले हैं। तो 2 से 2.5 मिनट तक हमने इसको हींग के साथ चलाना है ताकि हींग का थोड़ा फ्लेवर आ जाए इसके अंदर, टेस्ट आ जाए। तो 2 से 2.5 मिनट के बाद हम एक एक करके सारे मसाले इसके अंदर ऐड करेंगे। तो जब तक हम मसाले इसके अंदर ऐड करते हैं, आप कर ले छोटा सा काम, क्योंकि चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना तो मस्ट है, और हाँ अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। थोड़ी भी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर करना तो बनता ही है। तो यहाँ पे मैंने घर के अंदर ही फ्रेश क्रीम थी तो वो 1 बड़ा चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, टेस्ट के लिए बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसके बाद हम कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, 1 चम्मच नॉर्मल जो लाल मिर्च हम सब्जी के अंदर यूज़ करते हैं वो, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और 1 चम्मच मैंने गर्म मसाला इसके अंदर डाला है। और अच्छे से इसको आपने मिक्स कर देना है, मिक्स करके इसको पकाना है, मिक्स करके इसको अच्छे से पकाना है। और इसके अंदर 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, तो अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है हमने। और मिक्स करने के बाद हम इसे चलाएंगे और बहुत प्यारी सी खुशबू आनी स्टार्ट हो चुकी है ग्रेवी के अंदर से। ग्रेवी को आपने अब अच्छे से पकाना है। तो यहाँ पर हमें लगेगा 10 से 15 मिनट का वक्त, क्योंकि अभी जो है ग्रेवी बनने का मेन वक्त आ गया। हमने सारा जो प्रिपरेशन थी वो कर ली है, अब हमें मेन जो है कढ़ाई पनीर की ग्रेवी को तैयार करना है। और ग्रेवी अच्छी बन गई तो सब्जी की एक वाह वाह। तो ये देख सकते हैं क्रीम को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर जो है डालेंगे एक ट्विस्ट, जी हाँ एक ट्विस्ट। इसके अंदर मैंने 2 चम्मच मेयोनीज का, सिंपल मेयोनीज का यूज़ किया है, जो कि एक बहुत ही अच्छा सा टेस्ट और फ्लेवर इसके अंदर ऐड कर देगा। तो आपकी मर्जी, आप इसको डालना चाहे तो डाल सकते हैं, और अगर स्किप करना चाहें तो उसके बगैर भी अच्छी बनेगी, लेकिन अगर वो आप ऐड करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग इसका फ्लेवर आने वाला है। तो यहाँ पर पहले मैंने सारी सब्जियाँ जो हमने फ्राई करके रखी थी वो इसके अंदर ऐड कर दी हैं, और ऐड करने के बाद फिर हम इसके अंदर डाल देंगे 2 चम्मच फ्रेश और सिंपल मेयोनीज, और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। ये देखिए अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद इसके अंदर हमें जितना पानी चाहिए ना, जितनी गाढ़ापन चाहिए इसकी ग्रेवी के अंदर वो डालेंगे, लेकिन पहले इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद पानी को ऐड करेंगे, तो मैंने इसके अंदर 1 गिलास पानी को ऐड किया है, और इसको 5 मिनट और पकाएंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर, स्लो से मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसको 5 मिनट और पकाएंगे। और बहुत ही प्यारा सा इसका कलर और टेक्सचर आएगा। 5 मिनट के बाद मैं दिखाती हूँ आपको इसका लुक कि कैसी बनी है हमारी कढ़ाई पनीर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पानी को ऐड कर दिया है, और पानी को ऐड करने के बाद मैं इसको ढक के 5 मिनट के लिए पकाऊंगी। तो ये जब तक हमारी कढ़ाई पनीर तैयार होती है, आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ये देख सकते हैं कढ़ाई पनीर हमारी बन चुकी है, और इतनी ग्रेवी हमारे लिए ठीक है, क्योंकि जैसे हम गैस ऑफ कर देंगे तो थोड़ा सा और ये ग्रेवी जो है वो गाढ़ी हो जाएगी, क्योंकि ये पेस्ट है प्याज और टमाटर का, और बहुत ही प्यारा इसका कलर और टेक्स्चर ये देख सकते हैं। बंद होने के बाद, थोड़ी सी ठंडी होने के बाद इसका लुक और टेक्सचर देख सकते हैं। मैं इसको चला के दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह बनी है हमारी कढ़ाई पनीर, और आप इसे बटर नान के साथ या सिंपल नान के साथ खाइए, बहुत ही मज़े की बनी है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई पनीर घर पर ही बहुत ही आसान तरीके से। तो आप जब तक इसको टेस्ट करते हैं मैं एक नई रेसिपी की तैयारी कर लेती हूँ, और हाँ तैयारी करने से पहले मैं आपको सर्व करती हूँ।
तो मैं आपके प्लेट को कर रही हूँ तैयार, जल्दी से आ जाएं और टेस्ट करें, और टेस्ट करके बताएं कि कढ़ाई पनीर कैसी बनी है। इसे आप लंच में, डिनर में, किसी भी वक्त बना सकते हैं। इसको बनने में आधे घंटे से लेकर 45 मिनट का वक्त लगता है, और रेस्टोरेंट की तरह आपकी रेसिपी जो है वो बन के तैयार हो जाती है। डेकोरेट करने के लिए आप इसको ऊपर से हरे धनिए से और थोड़ी सी क्रीम से डेकोरेट कर सकते हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट का टच देने के लिए। और साथ में इसके साथ बटर नान या फिर सिंपल नान का यूज़ करें, बहुत ही मज़े की बनेगी। तो जब तक आप इसको टेस्ट करते हैं, मैं नई रेसिपी के साथ आती हूँ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।